भारतीय फौज का हल सिर्फ और सिर्फ ठुकाई। निकाय सेक्टर में फिर गोलाबारी, एक खातून शहीद, तीन शदीद जख्मी। रमासाल शहीद होने वालों की तादाद 21 हो गई। पाक फौज ने दुश्मन की ईंट से ईंट बजा दी, वो दिल मोर्चे और लाशें छोड़कर भाग गए। एहतसाब सबका होगा, लुटेरों से पाई पाई वसूल की जाएगी। जब तक अदलिया है कोई रिश्वत या सिफारिश नहीं चलेगी। चीफ जस्टिस साकिब निसार की छुट्टी के रोज भी लाहौर में केसेस की सामान, संघ पानी की फराहमी के बारे में रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा था कि ये सेनेट के इलेक्शन में पैसा चला है। नवाज शरीफ एमनेस्टी स्कीम से फायदा नहीं उठा सकेंगे, मगर दोनों बेटे जो चाहें करें। जनवरी 2000 से पहले अवामी ओहदा रखने वाला भी इस स्कीम से फायदा उठाने का अहल होगा। विफाकी और सूबाई हुकूमत में कोई भी ओहदा रखने वाला एमनेस्टी स्कीम से मुस्तफीद नहीं होगा। संडे है, सियासतदान सियासी T20 खेलेंगे। कप्तान की रावलपिंडी में एंट्री, नए खिलाड़ी बनाएंगे, धुआंधार खिताब भी करेंगे। खादिम आला कमालिया में गरजेंगे, भुट्टो का नवासा भी रुकनी है साजी कैंप्स का दौरा, और क्यों निकाला का जवाब देंगे। मुझे घर क्यों भिजवाया, फारूक सरकार भी बोल पड़े, कहते हैं कि उनके कारकुनान की वफादारियां खरीदी जा रही हैं। मुझ पर शदीद दबाव है, बार बार कहता हूं कि आओ भाई मिल बैठकर मसाइल हल कर लें, मगर सुनता कोई नहीं। खालिद मकबूल सदीकी और मुझे इख्तियार दिया जाए। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारतकार की गाड़ी की टक्कर मोटरसाइकिल सवार की जान ले गई। वो इंसान नहीं शायद फरिश्ता है, इस तस्ता क्यों दिया गया। पाकिस्तानी आवाम गुस्से से लाल पीली, जावाहक नौजवान के वालिद ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। अस्सलाम वालेकुम, रॉयल न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद इसहाक और मैं हूं कनीज फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट royalnews.tv और देखते रहिए सिर्फ रॉयल न्यूज।